मॉर्निंग बच्चों, पिछले टर्म पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड साइन कॉस टैन की इक्वेशन को सॉल्व कराया गया था। आज उसी बेस पर क्वेश्चंस हैं। सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 6 कॉस 3x प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 0। फाइंड अ जनरल सॉल्यूशन फॉर ए फॉलोइंग इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? पहले यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस सी प्लस कॉस टी जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर्मूला है, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस 3x प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 0, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो यहाँ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यहाँ जाएगा 3x प्लस एक्स बाई 2 कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस एक्स 4x बाई 2, 2 जो 4, 2 कॉस 2x इंटू कॉस एक्स 3x माइनस एक्स 2x 2 कैसे माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 0। इसमें कॉस 2x कॉमन, जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर हो गए, कॉस 2x 2 कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों 0 को कॉल करेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा कॉस 2x इक्वल्स टू 0, कब होता है कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू, कॉस 90 का 0 होती है, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। ये फार्मूला आपका था कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन था थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा पाई बाई 2 थीटा 2x हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, तो x इक्वल्स टू 1 बाई 2 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो जो फार्मूला बताया गया था कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, अगर इस कंडीशन में है तो थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फार्मूला यूज करते हैं। तो अल्फा थीटा का वैल्यू क्या 2x, अल्फा का वैल्यू पाई बाई 2, इसी फार्मूला रख देंगे तो 2x इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, तो x इक्वल्स टू 1 बाई 2 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ओके, पहले क्या यूज करेंगे, cos 3x plus cos x minus cos 2x equal to 0 का जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो पहले यूज करेंगे cos c plus cos d, चाहे cos c minus cos d यूज करें चाहे cos c plus cos d, किसी से भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर cos c plus cos d, तो 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, तो यहाँ जाएगा 3x plus x 4x by 2, 2 जो 4 cos 2x हो जाएगा, और 3x minus x by 2 3x minus x 2x by 2 2 कैसे cos x है, तो 2 यहाँ cos 2x common, तो 2 cos x minus 1 equals to 0। अब इसमें दो फैक्टर हो गए, बारी बारी equal to 0 करेंगे, cos 2x equal to 0, वैल्यू 0 कब होती है cos 90 पर, तो cos theta equal to cos alpha इस कंडीशन हो गए हैं। यहाँ यूज करेंगे theta equal to 2 n pi plus minus alpha, तो theta की वैल्यू 2x, alpha की वैल्यू pi by 2, जाएगा 2 n pi plus minus pi by 2, x equal to 1 by 2, 2 n pi plus minus pi। अब सेकेंड इसका फैक्टर है 2 cos x minus 1 equals to 0, 2 cos x equal to 1, cos x equal to 1 by 2 होता है cos pi by 3, cos 60 की वैल्यू 1 by 2, तो theta equal to क्या 2 n pi plus minus alpha, तो
एक्स इक्वल्स हो जाएगा 2l पाई प्लस माइनस अल्फा पाई बाय 3 या का सेकंड फैक्टर सॉल्यूशन से हो जाएगा। दोनों फैक्टर को x की वैल्यू निकाल कर आप इसी जनरल सॉल्यूशन को कर देंगे आप आई जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ साइन टू की क्या इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, अब उसे हम चेंज कर देंगे इसको, तो साइन टू थीटा इक्वल्स टू अगर 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। अब इस फैक्टर इक्वेशन में कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, जब कॉस एक्स कॉमन 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें कॉस दो फैक्टर होंगे कॉस एक्स और 2 साइन एक्स प्लस 1, कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 0 कब होगा ये कॉस 90 का पाई बाय 2, तो फार्मूला क्या था आपका जनरल सॉल्यूशन का थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा का स्थान क्या है x है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, ये जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट में हो गया। अब सेकंड इसका फैक्टर है 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2 sin x इक्वल टू माइनस 1, sin x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। देखिए sin माइनस 1 बाई 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि sin पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस sin थीटा, तो ये आपका 1 बाई 2 30 है, तो 30 है 210, टेन की वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको आप रेडियन कन्वर्ट कर देंगे पाई बाई 180, 3 7 जा 36 जा, तो 7 पाई बाई 6 साइन 7 पाई बाई 6 की वैल्यू हुई। अब हो जाएगा एक्स इक्वल टू, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बताया गया एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, ये जाएगा आपका एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन यहाँ से पाई बाई 6, इसका सेकंड फैक्टर था जनरल सॉल्यूशन। बस थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 इसकी वैल्यू, तो वो थी पाई बाई 6 यानी 210 डिग्रीज। अब इसमें जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जो नेक्स्ट स्टेप पे आपको प्रूफ कराया गया था, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन 7 पाई बाय 6। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस टैन 2x। क्वेश्चन नंबर 8 sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टैन 2x, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके यहाँ पर चेंज कर देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टैन 2x, 1 कैंसिल, टैन स्क्वायर 2x प्लस टैन 2x इक्वल्स टू 0, टैन 2x कॉमन, टैन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर हो गए
दोनों को इक्वल टू जीरो कर देंगे, tan 2x इक्वल टू जीरो, ये होता है tan 0 और पाई को हम कर सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा होता है tan रूट से, इक्वेशन है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 2x, जाएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0, 2x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाय 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड फैक्टर tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, tan 2x इक्वल टू माइनस 1, ये होता है tan माइनस 1 कब होगा 135 डिग्री, तो इसमें हो जाएगी tan 3 पाई बाय 4, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, x इक्वल टू 1 बाय 2, n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। सेकंड सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे, sec स्क्वायर 2x को चेंज कर देंगे tan के कंडीशन में, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, 1 1 कैंसिल, tan स्क्वायर 2x इक्वल टू माइनस tan 2x, माइनस है पॉजिटिव, तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0, tan 2x कॉमन, तो जाएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, नो फैक्टर हो गया, tan 2x इक्वल टू 0, तो tan 0 जाएगा, tan 0 की वैल्यू 0, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0, तो 2x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाय 2। फर्स्ट फैक्टर का जनरल सॉल्यूशन, सेकंड फैक्टर है tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, tan 2x इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 मतलब 3 पाई बाय 4, तो tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू माइनस 1, तो जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो जाएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, x equal to 1 by 2, n pi plus 3 by 5, okay? Next question है, sin x plus sin 3x plus sin 5x equals to 0. इसका general solution आपको निकालना है. Sin x plus sin 3x plus साइन 5x इक्वल टू 0, इन दोनों के साथ कर लीजिए, साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब इसमें साइन c प्लस साइन d यूज करिए इन दोनों पार्ट में, तो 2 साइन c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, ये फार्मूला होता है, जाएगा 2 sin 5x plus x by 2 cos 5x minus x by 2 plus sin 3x equals to 0, 5x plus x 6x by 2, 2 3 is 6, जाएगा 2 sin 3x 5x minus x 4x 2 हो जाएगा, cos 2x plus sin 3x equals to 0, sin 3x common, 2 cos 2x plus 1 equals to 0, तो sin plus दो फैक्टर हो गए, sin 3x equals to 0, ये कब होगा, sin 0 में 0 होती है, तो अब इसमें 3x equals to इसका जनरल सॉल्यूशन n pi plus minus 1 की पावर n इनटू अल्फा, अल्फा हमारा क्या 0 है, क्या 0, तो 3x इक्वल्स टू n पाई, तो x इक्वल्स टू n पाई बाय 3। फर्स्ट फैक्टर पार्ट का, सेकंड फैक्टर इसका 2 cos 2x plus 1 इक्वल्स टू 0, तो cos 2 cos 2x equals to minus 1, cos
2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 ये होता है cos 120 की वैल्यू 2 पाई बाई 3 cos 120 की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इस हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 तो कहाँ लगेगा कैसे x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई आप जनरल सॉल्यूशन दोनों काट के फर्स्ट और सेकंड ओके पहले से साइन dx उन दोनों तो भी साइन c प्लस साइन d यूज करेंगे तो आपको dx मिल जाएगा साइन कॉमन हो जाएगा आसानी से तो अब इसमें साइन 5x और साइन x के साथ प्लस साइन 3x कर लीजिए यहां साइन c प्लस साइन d यूज करिए तो 2 साइन c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0 तो हो जाएगा 5x plus x 6x 2 3 जा 6 2 sin 3x cos 2x plus sin 3x equals to 0 तो sin 3x common 2 cos 2x plus 1 equals to 0 जाएगा sin 3x equal to 0 कब होगा sin 0 पर 0 होता है तो 3x equal to n pi plus minus minus 1 power n plus 0 तो 0 जाएगा मार पर जाएगा n pi x equal to n pi by 3 first factor कब हुआ तो second part is 2 cos 2x plus 1 equals to 0 तो 2 cos 2x equals to minus 1 cos 2x equals to minus 1 by 2 equals to cos 2 pi by 3 तो आएगा 2 cos x equals to 2n pi plus minus pi by 3 ये आपका second part था इस तरह से आपका ये 3.4 एक्सरसाइज समाप्त होता है स्पीच टाइप के क्वेश्चंस आपको आरडी शर्मा से बुक से काफ़ी मिल जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी बुक में थोड़ा क्वेश्चंस कम है उसमें से आप क्वेश्चंस लेकर प्रैक्टिस करिए अब ऐसे कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप बता रहे हैं न्यू चैप्टर आपको नेक्स्ट टाइम पर स्टार्ट किया जाएगा मिसलेनियस में देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके पीछे की एक्सरसाइज के लिए हैं इसलिए प्रूफ करना है इसमें 2 cos pi by 30 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equals to 0 प्रूव करना है देखिए जो फार्मूला आपको शो किया गया था 2 cos a cos b 2 cos a cos b equals to cos a plus b plus cos a minus b ओके तो 2 cos a cos b equals to cos a plus b plus cos a minus b और नो इसमें यहाँ a की वैल्यू पाई बाई थी b की वैल्यू 9 पाई बाई थी तो जाएगा cos पाई बाई यहाँ 30 cos पाई बाई 30 प्लस 9 पाई बाई 30 प्लस cos पाई बाई 30 माइनस 9 पाई बाई 30 प्लस cos 3 पाई बाई 30 प्लस cos 5 पाई बाई 30 इसको ऐड कर लेंगे तो जाएगा cos 10 पाई बाय 13 cos माइनस 8 पाई बाय 13 cos माइनस 8 cos थीटा ही होता है 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 अब इसमें इसको चेंज कर सकते हैं cos पाई प्लस 10 cos pi minus 3 pi by 30 plus cos यहाँ हो जाएगा आपका pi minus 5 pi by 30 plus cos 3 pi by 30 plus cos 5 pi by 30 cos pi minus theta minus cos theta होता है इन दोनों की वैल्यू यहाँ माइनस कॉस के रूप में हो जाएगा तो यहाँ का माइनस कॉस
3π/13 माइनस कॉस 5π/13 प्लस कॉस 3π/13 कॉस 5π/13 कॉस 3π/13 कैसे कॉस 5π कैसे इक्वल्स टू 0। आप ये 0 प्रूव करना था। तो कॉस 5π/13 कॉस 9π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13 इक्वल्स टू 0। तो इसमें फार्मूला मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ये 2 cos a cos b इक्वल्स टू क्या है cos a plus b प्लस cos a minus b। इस फार्मूला को यूज करेंगे तो जाएगा इसमें 2 cos a plus b तो cos a plus b प्लस cos a minus b और प्लस cos 3π प्लस cos 5π/13 दोनों ऐड कर लेंगे cos 10π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 3π प्लस cos 5π/13। इसको आप नोट कर सकते हैं पाई माइनस 3π/13 के रूप में और इसको cos 5π/13 cos 5 माइनस थीटा माइनस cos थीटा दोनों नेगेटिव हो जाएंगे दोनों पार्ट कैंसिल इक्वल्स टू 0। ओके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे नहीं।